गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और मैं अभी आई हूँ छत पे, बेबी के कपड़े हैं ना वो डालने के लिए आई हुई थी। आज हम लोगों को दिल्ली के लिए निकलना भी है और आज रुद्रांश के नानू एंड नानी दोनों आने वाले हैं, मतलब वो दोपहर तक आ जाएंगे एंड शाम में हम लोग भी निकल जाएंगे। प्लानिंग हमारी ये थी कि हम 30 तारीख तक यहाँ पर रुकेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों को जाना है। आज थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है क्योंकि आज जाना है ना, जब घर से जाना होता है ना तो मेरा तो सच बताऊँ ना मन नहीं होता जाने का, बट वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी छोटा बेबी को आज नहलाएंगे, उसका फर्स्ट बाथ होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। रुद्रांश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने नानू एंड नानी से मिलने के लिए एंड छोटा बेबी भी अपने नानी नानी से फर्स्ट टाइम मिलेगा। मम्मी पापा आ गए और मम्मी ना फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आई है। तो हमारे यहाँ ना क्या होता है, जब माँ पहली बार बेटी के घर में आती है ना तो कुछ कपड़े वगैरह लेके आते हैं, तो उनको पहले तो दहलीज पे रखा जाता है एंड वहाँ पे फिर दहलीज पे पैर छुए जाते हैं। तो ये जो कपड़े लेकर आती हैं वो मम्मी जी के लिए लेके आती हैं, सो मम्मी जी को दे देंगे एंड उसके बाद फिर मम्मी घर के अंदर आएंगी। और यहाँ पर देखो मम्मी कितने अच्छे से अपने समधन के पैर दबा दबा के छू रही हैं। और रुद्रांश बहुत एक्साइटेड था अपने नानू नानी से मिलने के लिए क्योंकि उसने बहुत सारा सामान मंगवाया था अपने लिए, सो वो सामान देखने के लिए एंड खाने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड था। सो बस यहाँ पे नानी और देखो बेटे का कितना प्यार चल रहा है और आते साथ ही नानी की गोद में बैठ गया है। और यहाँ पे पापा जी भी आ गए थे ऑफिस से, सो यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सबके लिए खाना रेडी कर रही थी, मतलब मैं रोटी रह गई थी सेकने के लिए। सो मम्मी आई तो मम्मी बोलती मैं रोटी सेकूंगी, सो मम्मी रोटी सेक रही थी एंड मैं सबके लिए खाना लगा रही थी और मम्मी यहाँ पे सैलड कट कर रही थी। सो बस फटाफट से हम सबके लिए खाना दे देते हैं, मतलब हम सब लोग लंच कर लेंगे एंड उसके बाद फिर अभी मालिश वाली आंटी भी आ गई थी तो उन्होंने बेबी की मालिश की। सोना बाबू की मालिश हो रही है। बिट्टू आप हटो। इसकी बातें सुन के ना अब सच में ऐसा लगता है कि हाँ ये बड़ा भाई बन गया। देखो मालिश वाली आंटी को कैसे समझा रहा है, उसको तेज तेज नहीं करो, रगड़ रगड़ के नहीं करो, वो बहुत रोता है एंड जब तक उसकी मालिश चलती है ना वो जब तक वहीं बैठा रहता है, हिलता भी नहीं है। मैं देखूंगा कैसे मालिश होती है एंड बाबू को ज़्यादा तेज तेज तो नहीं करी मालिश वाली आंटी। सो बस यहाँ पे बाबू की मालिश चल रही थी, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि कैसे स्टेप बाई स्टेप मालिश चल रही है। फिर बाबू आज हनु करेगा। आज हमारे बेबी का फर्स्ट बात हो रहा है, थोड़ा सा मैंने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया है मेमोरी के लिए एंड पता है नहाने में वो बिल्कुल भी नहीं रोया एंड उसको बहुत मज़ा आ रहा था जब वो नहा रहा था। और जिस पानी से ना बेबी को नहलाया जाता है उस पानी को ना नीम के पत्ते डाल के गर्म किया जाता है एंड उससे फिर नहलाया जाता है, इसलिए पानी का कलर भी ना चेंज लग रहा है एंड बहुत अच्छे से उसने नहलवा लिया है। बस ये देखो नहाने के बाद थोड़ा सा वो रोया था बट नहाते टाइम बिल्कुल भी नहीं रोया, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब अभी फर्स्ट बात हुआ ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको नहाने में। एंड ये देखो अभी उसको नहला धुला दिया है, अभी उसको बस पानी अच्छे से साफ़ कर देंगे एंड उसके बाद बस उसको बॉडी लोशन वगैरह लगाया है, कपड़े पहनाए, रेडी कर दिया। बस ये लास्ट हम सोचा मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि फिर अभी हम लोग भी चले जाएंगे तो अभी उसकी इतनी क्यूट सी जो मेमोरी है ना वो नहीं ले पाऊँगी मैं। मम्मी पापा आए हुए हैं तो थोड़ा सा लंच वगैरह करने के बाद हम बैठ गए थे एंड उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा है शाम का। और यहाँ पर मेरी बैग पैकिंग मतलब मैंने कर ली थी, कल ही कर ली थी बट थोड़ी बहुत और रह गई थी तो मैंने बची खुची वो भी कर लिया क्योंकि भाई अब निकलना है और यहाँ से जाना है। और मेरा मुँह ना इतना बुरा हो जाता है ना जब मतलब घर से जाने की बारी आती है, अब ऐसा लगता है मेरे को पता नहीं वापस कब आऊँगी मैं एंड छोटा बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। सो ये देखो यहाँ पे अच्छे से वो सो रहा है, मालिश हो गई एंड नहला दिया ना तो आज बहुत अच्छे से वो सो रहा है। तैयारी हो लगी जाने की? कल जाना तुझे तो आज से बैग क्यों लगा रही है? मम्मी बना रही है पूड़ी हमारे लिए रास्ते के लिए, वहाँ पे बन रही है चाय। अच्छा कम कर दो, स्लो कर दो। ओके ये हो गई स्लो, अब नहीं फैलेगी। क्या खा रही है? इतने सारे लड्डू आए हुए हैं मम्मी लेके आई हुई है, ये देखो डिब्बा भर के। जो हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है ना तो मायके से लड्डू आते हैं, इसको खाएगा कौन? तेरी दीदी खाएंगी, मैं तो चली आज, तेरी दीदी खाएगी। मेरी बड़ी दीदी नहीं खाएगी, तेरी छोटी दीदी खाएगी।
कल मुस्कान भी चली जाएगी और आज हम लोग निकल रहे हैं और रह जाएगी मम्मी अकेली और फिर मम्मी अकेली रह जाएंगी, मम्मी और मम्मी का छोटा बेबी है, छोटा बाबू आज रह जाएगा, अभी बड़ा बाबू रहता है, छोटा बाबू रहता है। बट मम्मी का तो टाइम निकल ही जाएगा कैसे ना कैसे, क्योंकि टाइम को मम्मी को पता ही नहीं रहता है कब सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, तो मम्मी को पता ही नहीं चलना है टाइम का। तो अभी हाँ, हम इतने सारे लोग हैं ना, हमारा घर इतना छोटा है ना, इतने घर इतने छोटे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो है ना रेलवे का क्वार्टर है और इसमें दो ही रूम है, दो रूम एंड ये किचन है, बस हम इसमें दो लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी सी किचन है, दो रूम हॉल किचन लैट्रिन बाथरूम, बस इतना सा, इतने से रूम में इतने सारे लोग हैं और इतना सारा सामान है। बट कोई नहीं, ये हमारी यहाँ इस घर में लास्ट मेमोरी है ना वो रहेगी, क्योंकि अभी फिर इसके बाद हम इस घर को छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद। ओ लग गई है ना, छोड़ देंगे हम इस घर को, मम्मी इस घर को बहुत मिस करेंगी और पापा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी यही निकल गई है, जब से पापा ने जॉब स्टार्ट की थी ना तब से रिटायरमेंट तक पापा इसी घर में रहे, पापा ने अपना क्वार्टर भी नहीं चेंज किया है, तो 3 साल हो गए इधर उधर, 33 साल हो गए इधर, 33 साल, हाँ 36 साल की, तो इस घर को बहुत मिस करेंगे। एंड जब बाबू भी हुआ था तो इसी घर में ही हुआ था, एंड हमारा छोटा बाबू भी आया तो वो भी इसी घर में हुआ है, पैदा तो हुए दो दिन, हाँ। और मम्मी के तीनों बच्चे गांव में हुए हैं, इस घर की हमारी लास्ट मेमोरी थी। अब पता नहीं हम सारे लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, अभी तो शायद पापा का जब रिटायरमेंट होगा तब जाके हम सारे लोग फिर मिलेंगे, बाकी तो ये देखो मेरी बात कितने ध्यान से सुन रही है, मेरी पैकिंग हो गई है, बैग वो रख दिए मैंने लगा के, बस टाइम होगा और निकलेंगे, मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं, चारे की आंखें तो कर दो सही से। कल बाबू को न्यू कपड़े लेके आए थे, एक ये वाली ड्रेस एक ये वाली दोनों एक साथ ही पहना दी, दो ही है। और ये टोपी लेके आए थे, ये भी लेके आए थे, ये भी लेके आए थे, सब कुछ नया है, और आज बाबू ने नहाया भी तो सब कुछ नया नया पहना दिया उसको, ऐसे उठाओगे ऐसे, अरे मैं उसको देखो मैं उठा ऐसे मैं उठाती हूँ। जब सब लोग साथ में होते हैं ना कोई बात ऐसी आ ही जाती है कि हंसी आती है, सुबह हम सारे लोग बैठ के हैं, खूब सारी बातें कर रहे थे, और यहाँ पे ये देखो छोटा बाबू अभी भी सो रहा है, मम्मी बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, खूब सारी बातें की, एंड बस यहाँ से हम थोड़ी देर से निकलेंगे, तो जाते जाते हमने सोचा छोटा बेबी के साथ थोड़ी बहुत जो क्यूट क्यूट सी मेमोरी है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि जब हमारा बाबू ना बड़ा हो जाएगा फिर वो इन सब चीज़ों को देखेगा एंड हम भी इन सब चीज़ों को देखेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने जितने दिन रही वहाँ पर थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें उसकी कैप्चर करने की कोशिश की। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।